समीउल्लाह है, मैं सूरत का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 6 साल की उम्र से इसने कम सुनाई देने लगा था। मैंने 10 साल तक इसका बहुत इलाज करवाया, कहीं इसका रिजल्ट नहीं साबित हुआ, अच्छा साबित नहीं हुआ इसका। कोई मैंने YouTube पर डॉक्टर सुराना का YouTube पर वीडियो देखा, तो हमको इससे मालूम पड़ा कि वहाँ बगैर ऑपरेशन का, बगैर चीड़ फाड़ का 3 घंटे का ट्रीटमेंट में थोड़ा सुनाई देने लगता है, एकदम शुरुआत होने लगती है शुरू से। इसलिए मैंने आया यहाँ पे और देखा अपने लड़के का, मेरे लड़के का नाम मोहम्मद हुसैन है, उसको दिखाया, बगल में बैठा हुआ उसको दिखाया, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया सामने, और इससे ज़्यादा का इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं। मतलब ऐसा देखा सुना, और जो लोग भाई भाई देख रहे हैं वो भी अपना समझ बूझ के आए, देखे पहले, समझ ले बूझ ले इसको, उसके बाद पैसा भरे, उसके बाद इलाज करवाएं, ऐसा नहीं है कि तुरंत पहले हमारे ही कहने पे आ जाओ। पहले इसको देखो, समझो, बूझो, या 2-4 आदमी 10 आदमी से अगर बगल में पूछ लो तो उसके बाद पैसा भरो, देखो समझो। ऐसे तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं ये समीउल्लाह भाई के साथ में आया हूँ। मैं भी सूरत में हाल मुकीम हूँ, और इन्होंने कई मरतबा से कहा कि भाई एक डॉक्टर साहब हैं अहमदाबाद में, डॉक्टर सुराना जी। तो हमने भी एक दो मरतबा फ़ोन से बात की, और हम कई लोगों से भी बात करने की दरख्वास्त की, कई लोगों ने बात भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक में लोग रहते हैं उन्होंने भी मशवरा दिया, और भी लोगों ने मशवरा दिया कि आप आइए पहले देखिए, उसके बाद फिर आपको अगर शरह सदर हो तो इलाज शुरू कराइए। बहरहाल हम लोग आए, और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, हम लोग सुन्नत के मुताबिक सफ़र भी किए, और माशाल्लाह नमाज की भी पाबंदी की और तहज्जुद की भी पाबंदी की। अल्लाह के करम से हम लोग आए, और अल्लाह ने कहा है कि भाई पूरा पूरा अस्बाब इख्तियार करो, और पुख्ता अस्बाब इख्तियार करो। तो अस्बाब के नाते में हम लोग यहाँ पहुँचे और इलाज शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी डॉक्टर साहब ने इनको जांचा था, तो पहले इसके अंदर जो कुव्वत नहीं थी सुनने की, और अभी 2 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इनको सुनने की जो मादा दिया है उसमें से थोड़ी बहुत मादा शुरू हो चुकी है। हाँ, हम अल्लाह का सबसे पहले एहसान है, अल्लाह का एहसान और करम है, अल्लाह का सबसे पहले फ़ज़्ल है, अल्लाह का हम एहसान और शुक्र अदा करते हैं, और दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब का भी शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने असबाब के दर्जे में हमारे बच्चों की इलाज शुरू की है। और नाज़रीन से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप हज़रात को अगर शरह सदर हो तो आप भी तशरीफ़ लाएँ, और कोशिश करें असबाब के दर्जे में, दुनियादार असबाब है, असबाब इख्तियार करें, और फिर वह उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह के नाते अल्लाह को सुपुर्द कर दें। बस